हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज़ा किचन। आज हम बनाने वाले हैं चोको लावा केक। ओवन में भी बनाएंगे और कढ़ाई में भी बनाएंगे, बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप्स में। ये बहुत ही माउथ मेल्टिंग रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। चोको लावा केक बनाने के लिए हम एक बाउल में 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। हम इसी बाउल में चोको लावा केक को बेक करने वाले हैं। मैदा डालने के बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून चोको पाउडर डालेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क यहाँ पे रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और इन सबको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमें इसका एक स्मूथ बैटर प्रिपेयर करना है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और एक बार फिर इसको मिक्स करेंगे, बट यहाँ पर हम इसको ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम किसी भी चॉकलेट का एक पीस लेकर के ऐसा सेंटर में इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद इसको हम बैटर से एक बार फिर कवर कर देंगे। अब इसके बाद हम अपने बाउल के ऐसे टॉप पोर्शन को क्लीन कर देंगे ताकि बेक होने के बाद ये बहुत अच्छी लगे। अब इस चोको लावा केक को हम प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 12 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड पे बेक कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमारी चोको लावा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुकी है और इसके अंदर का आप मेल्टेड चॉकलेट देख सकते हैं, कितना यमी दिख रहा है ये गाइस। बहुत ही टेस्टी एंड सुपर डिलिशियस रेसिपी है ये। अब यहाँ पे मैंने कुछ सिलिकन मोल्ड्स लिए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल स्टील की कटोरी भी ग्रीस करके यूज़ कर सकते हैं। और सेम प्रिपेयर्ड बैटर को इसके अंदर मैंने ऐसे पोर कर दिया है और ऐसी एक चॉकलेट की पीस लेकर के हम सेंटर में प्लेस कर देंगे और उसके बाद थोड़े से और बैटर से इसको हम कवर कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई को एक स्टैंड के साथ प्री हीट कर लिया था और उसके बाद हम अपने बैटर को ऐसे सेंटर में रख देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। आप ध्यान रखें, इसे आप 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी बेक ना करें, वरना ये एकदम ओवर ड्राई हो जाएगी और हमारी चॉकलेट मेल्ट होकर के बाहर नहीं आएगी। और अब आप देखिए बेक होने के बाद कितने परफेक्ट टेक्सचर के निकल के आए हैं ये। अब लावा केक को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली अंदर की मेल्टेड चॉकलेट बाहर निकल कर आ रही है। लग रही है ना एकदम डिलिशियस एंड माउथ डिसॉल्विंग। गाइस, इस मेजरमेंट के साथ आप इसको बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट निकल कर आएगी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।